चलो सर कैसे हो आप सब लोग। सही आज जो अपने पास R15, ये जो इंडोनेशियन वर्जन है इसका R15M का, एंड ये जो है एक और अभी कलर आपको देखने को मिलेगा R15M में। ऑलरेडी हमें पहले देखने को मिलता था सिल्वर कलर, मोटो जीपी एडिशन तो भाई बंद हो गया, वो तो आई थिंक अभी मैंने ही देखे काफ़ी दिन हो गए, तो अभी मिल नहीं रहा होगा। बाकी उसके बाद जो है इस एक और कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि आपको ब्लू स्केयर शोरूम्स पे ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो है मैं हूँ भाई सिद्धार्थ ऑटो गुड़गांव पे, तो यदि आपको परचेज़ करनी हो कर सकते क्योंकि इसकी कोई भी बुकिंग वगैरह फिलहाल तक नहीं है, जब तक मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ तो फिलहाल इसकी कोई भी बुकिंग नहीं है। आप आके जो है चेकआउट कर सकते हो, खानसा रोड सेक्टर 10 है, आप यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हो इसको। तो फिलहाल जो भाई इसकी अनरैपिंग करते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन उससे पहले जो भाई एक शर्त है, आपको जो भाई चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आया हूँ भाई, किसी ने भी नहीं डाली होगी इसकी वीडियो, लेकिन आपका भाई जो आपके लिए सबसे पहले ऐसे धमाकेदार जो है भाई रिव्यू या फिर वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है और उसी के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी आप वीडियो को एंजॉय करो। तो ये खोल दिया भाई हमने इसकी, सबसे पहले तो ये क्लच, क्योंकि क्लच इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई ताकि बाइक फ्री रहे और आराम से उतार चढ़ा सकें। तो चलिए सबसे पहले भाई इसका फ्रंट का मुखड़ा हटाते हैं, ये हटाना पड़ेगा इसका सबसे पहले अपना यहाँ से, क्योंकि इसकी पैकिंग जो है भाई बड़ी खतरनाक कर रखी है इन्होंने। पैकिंग तो पहले भी करते हैं लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा खतरनाक कर रखी है इन्होंने, जिसकी मैंने की ये हटाई भाई। इसको मैं ऐसे निकाल दूँगा यहाँ से, ये नीचे से पूरा इसमें डाल रखा है आप देख रहे हो। उसके बाद में भाई यहाँ से ये निकाल लें अपना पूरा, ये देखो यहाँ पे अटकाया हुआ है, ये देखो पूरा निकल गया यहाँ से। उसके बाद में ये नीचे अगेन जो है इंडिकेटर में फंसाया हुआ है, तो ये हटाने भी बड़े आफत वाली चीज़ है, ऐसे ही नहीं हटते। तो अभी चेक करो भाई फ्रंट का लुक, फ्रंट क्या साइड भी इसमें आपको देखने को मिली जाएगी। तो ये देखो R15M यामा क्विक शिफ्टर, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो भाई बड़ी मस्त लग रही है जो डिज़ाइन है ना, ब्लैक लाइनिंग, ये मेरे को काफ़ी गजब लग रही है इस बाइक पे। बाकी आप बताओ आपको कैसी लग रही, लाल कलर के जो आपको ये मडगार्ड देखने मिलेंगे। बाकी फ्रंट लुक चेक करो, येलो का पूरा कॉम्बिनेशन है, मस्त लग रही है, नो डाउट काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये। बाकी अभी इसको भी हटा देते हैं, इसमें ज़्यादा मंत्र नहीं पड़ना है, ये तो बड़ा ईजी हटाना, ये देखो हट भी गया। ठीक है फिर टैंक दिखाता हूँ आपको, टैंक कैसा लग रहा है। और कुछ एक चीज़ें भाई इसमें नई भी आई है, वो मैं आपको रिव्यू में बताऊँगा क्या नया है क्या नया नहीं है, तो उसके लिए आपको रिव्यू के लिए लाइक वेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप टैंक में चेक करो, गोल्डन कलर का आपको लोगो मिलता है, एनिवर्सरी एडिशन इनका, बट इन्होंने ना भाई वो की वाली जो आती है ना की, वो इंडोनेशियन नहीं थी, वो देते तो मस्त मज़ा आ जाता फिर तो। 60th वर्ल्ड जीपी यामा एनिवर्सरी ऐसी कुछ है भाई इनकी, तो देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे वेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, यामा कनेक्टर फीचर है और एक दो फीचर्स और ऐड किए हैं जो कि रिव्यू में आपको जरूर बताने वाला हूँ। बाकी भाई यहाँ पे जितनी भी एसेसरीज आती है वो यहाँ पे है, मिरर वगैरह क्विक शिफ्टर तो इसमें ऑलरेडी आई थिंक लग के आया होगा, आपको दिखा देता हूँ। क्विक शिफ्टर जो है ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे येलो कलर का अपना सस्पेंशन जो कि ऑल्सो काफ़ी सही लग रहा है, येलो कलर का इसी में है, इनमें ब्लैक कलर का है ये देखो। बट भाई जो भी कहो अभी जो है ना कंपेयर करने वाला हूँ मैं, ये देखो और भाई ये देखो, इन सबसे तो अलग लगती है, मस्त लग रही है और देखने में बढ़िया एक नंबर। तो चलिए गाइस ये रहे कुछ आज की वीडियो में भाई, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।